हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ के बेस्ट 300 करंट अफेयर एमसीक्यू क्वेश्चन के पार्ट फोर लेक्चर। ओके, एंड ऑलरेडी पार्ट वन टू एंड थ्री ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द पार्ट फोर बेस्ट 300 एमसीक्यू सितंबर मंथ। रिसेंटली बॉक्सर निखत जरीन हैज़ बीन अपॉइंटेड डीएसपी इन हुज स्टेट्स पुलिस। हाल ही में बॉक्सर निखत जरीन को डीएसपी के पोस्ट पे किस स्टेट के पुलिस में नियुक्त किया गया? सो नेम ऑफ द स्टेट इज तेलंगाना। ओके, एंड तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड बॉक्सर एंड टू टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन निखत जरीन एज ए डीएसपी एंड सी ओन गोल्ड मेडल एट द बर्मिंगम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। ओके, सो बॉक्सर निखत जरीन हैज़ बीन अपॉइंटेड डीएसपी इन तेलंगाना स्टेट्स पुलिस। रिसेंटली कुमार तुहिन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू हुच कंट्री। हाल ही में कुमार तुहिन को भारत के राजदूत के रूप में किस देश के लिए नियुक्त किया गया? सो नेम ऑफ द कंट्री इज नीदरलैंड। ओके, कुमार तुहिन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द नीदरलैंड्स। Recently, who has been elected as the president of the National Rifle Association of India? हाल ही में किसे National Rifle Association of India के president के post पे नियुक्त किया गया? So name of the person is Kalikes Singh Deo. Okay, so Kalikes Singh Deo has been elected as the president of the National Rifle Association of India, that is NRAI. And the National Rifle Association of India was founded on 17 April 1951. Recently, who has been appointed as the next Air Force Chief of India? हाल ही में किसे next Air Force Chief of India के पोस्ट पे नियुक्त किया गया? So name of the person is Amarpreet Singh. Okay. And Air Marshal Amarpreet Singh has been appointed as the next Chief of Indian Air Force succeeding Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary. Okay, so Amarpreet Singh has been appointed as the next Air Force Chief of India. Recently, who became the 10th Indian bowler to take 400 international wicket? हाल ही में 400 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले 10वें भारतीय गेंदबाज कौन बन गया? सो नेम ऑफ द पर्सन इज जसप्रीत बुमराह। एंड इंडियन फर्स्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह बिकम द 6th इंडियन फर्स्ट बॉलर एंड 10th ओवरऑल टू द क्लेम 400 विकेट इन द इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। ओके, एंड ही हैज प्लेड 196 इंटरनेशनल मैचेस। सो नेम ऑफ द पर्सन इज जसप्रीत बुमराह। रिसेंटली हुच कंट्री हैज रिटर्न्ड 297 इलीगली ट्रैफिक्ड एंटीक्विट्स टू इंडिया। हाल ही में किस देश ने 297 अवैध रूप से तस्करी पुरानों तत्वों का भारत में वापस कर दिया? सो नेम ऑफ द कंट्री इज यूएसए। ओके, द यूएसए हैज हैंडेड ओवर द टू इंडिया 297 एंटीक्विटीज व्हिच वर स्मगल्ड आउट ऑफ द कंट्री एंड ड्यूरिंग द ऑनगोइंग विजिट ऑफ पीएम मोदी। सो टोटल नंबर ऑफ एंटीक आइटम्स रिसीव्ड बाय इंडिया सिंस 2014 हैज गॉन टू 640। ओके, सो इट इज़ अ ह्यूज नंबर। सो यूएसए रिसेंटली हैज रिटर्न द 297 इलीगली ट्रैफिक्ड एंटीक्विटीज टू इंडिया। रिसेंटली व्हिच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 को लॉन्च किया? सो नेम ऑफ द पर्सन इज अमित शाह। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हैज अनवील्ड व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, ए कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव एम्ड एट एम्पावरिंग वोमेन फार्मर एंड क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज अंडर व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0। एंड द गवर्नमेंट एम्स टू इंक्रीज मिल्क प्रोक्योरमेंट टू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बाई 50% एंड ओवर नेक्स्ट 5 years. ओके, सो नेम ऑफ द पर्सन इज अमित शाह। एज पर द रिसेंटली अनुराग कुमार दिशांके हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री।
हाल ही में अनुराग कुमार दिशांका किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है? सो नेम ऑफ द कंट्री इज श्रीलंका. ओके, एंड अनुराग कुमार दिशांके हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका. Recently, who has been appointed as the head coach of Punjab Kings IPL team? हाल ही में किसे पंजाब किंग्स IPL टीम के प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त किया गया? So, name of the person is Ricky Ponting. Okay, and former Australian captain Ricky Ponting has been appointed Punjab Kings head coach on a 4-year contract basis. Okay, so name of the person is Ricky Ponting. Has been appointed as the head coach of the Punjab Kings IPL team. As per the news, recently, which country unveiled the new kamikaze drone Shahid 136B? हाल ही में किस देश ने न्यू कामिकाजी ड्रोन Shahid 136B को अनावरण किया? So name of the country is Iran. Okay, and Iran presented this new kamikaze drone as a part of its military modernization program, and the Shahid 136B drone is an upgrade version of the Shahid 136. Okay, so name of the country is Iran. Iran unveiled the new kamikaze drone, that is Shahid 136B. Recently, which state government plans to discontinue its iconic tram service? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी प्रतिष्ठित ट्राम सेवाओं को बंद करने की योजना बना रही है? So, name of the state is West Bengal. Okay, the West Bengal government plans to discontinue the iconic tram service in Kolkata, except for few stretches. Okay, so name of the state is West Bengal. Recently, who has been appointed as the next vice chief of Air Staff? हाल ही में किसे नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पोस्ट में नियुक्त किया गया? सो नेम ऑफ द पर्सन इज SV धारकर. एयर मार्शल सुजीत पुष्पकर धारकर ए फाइटर पायलट विथ ओवर 3600 फ्लाइंग आवर्स इज अपॉइंटेड एज द 46th वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ. ओके, सो नेम ऑफ द पर्सन इज SV धारकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ. As per the information, what is the rank of India in the Global Innovation Index? जानकारी के अनुसार Global Innovation Index 2024 में इंडिया का रैंक क्या है? इस बार इंडिया का रैंक रहा 39. ओके, इंडिया रैंक 39 among 133 ग्लोबल इकोनॉमिक्स इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024. As per the information, Shigeru Ishiba has been chosen as the next Prime Minister of which country? जानकारी के अनुसार Shigeru Ishiba किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? So name of the country is Japan. Okay, and former Japanese Defense Minister and Shigeru Ishiba has been chosen as the next Prime Minister of Japan. Recently, who has assumed the चेयरमैनशिप ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन? हाल ही में किसे रिसेंटली एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन में चेयरमैन के पोस्ट पे नियुक्त किया गया? सो नेम ऑफ द पर्सन इज GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू. एंड गिरीश चंद्र मुर्मू हैज टेकन ओवर एज ए चेयरमैनशिप ऑफ द एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, दैट इज ASO SAI, for the period of 2024 to 2027. Okay, recently, which country's Dassault Aviation Company will open its subsidiary in India? हाल ही में किस देश के Dassault Aviation Company ने भारत में अपनी सहायक कंपनी खोलने की तैयारी कर रहा है? So Dassault एक कौन से देश की कंपनी है? So ये फ्रांस की कंपनी है. ओके, एंड Dassault Aviation ऑफ फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी, इट विल सेट अप इन देयर कंपनी इन नोएडा, उत्तर प्रदेश. ओके, सो Dassault फ्रांस की एविएशन कंपनी है. एज पर द इंफॉर्मेशन, रिसेंटली हुच कंट्री बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ नेपाल? हाल ही में जानकारी के अनुसार कौन सा देश नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? सो नेम ऑफ द कंट्री इज इंडिया.
And India continues to be the largest trading partner of Nepal. And who is the PM of Nepal current? KP Oli. Okay. Recently, DRDO and which institute has developed lightweight bulletproof jacket, that is Abhed. हाल ही में DRDO किस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर लाइटवेट बुलेटप्रूफ जैकेट दैट इज अवेद को तैयार किया है. सो नेम ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज IIT दिल्ली. ओके, अवेद इसका फुल फॉर्म है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफिट. ओके, एंड इट इज डेवलप्ड बाय द DRDO एंड IIT दिल्ली. एंड दिस जैकेट हैव बीन क्रिएटेड फ्रॉम पॉलीमर एंड इंडिजिनस बोरोन कार्बाइड सिरामिक मटेरियल. ओके, बोरोन कार्बाइड सिरामिक मटेरियल्स और इसके अंदर है एंड पॉलीमर्स. इंडियन रेलवेज हैज एस्टेब्लिश द रेल रक्षक दल इन व्हिच जोन. हाल ही में भारतीय रेल ने रेल रक्षक दल किस जोन के लिए तैयार किया है? सो दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न जोन. ओके, सो इंडियन रेलवे हैज एस्टेब्लिश द रेल रक्षक दल इन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे. And Indian Railways established Rail Rakshak Dal in North Western Zone. It is a pilot project aims to promptly respond to train accident. Main purpose kya hai iska? Rail accident jo ho raha hai uske liye bahut promptly action lena. Okay, so ye Rail Rakshak Dal pehle ye kaun se zone ne banaya? North Western Zone ne. Recently, 8th भारतीय कला महोत्सव has been organized in which city? हाल ही में 8th भारतीय कला महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? So, name of the city is Secunderabad. Okay, and President Draupadi Murmu inaugurated the 8th भारतीय कला महोत्सव focused on the North Eastern State. इस बार का theme रहा था North Eastern State and on the 28th September. एट सिकंदराबाद तेलंगाना. ओके, सो 8th भारतीय कला महोत्सव हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन सिकंदराबाद तेलंगाना. विथ व्हिच कंट्री हैज इंडिया साइंड ए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी टू इंश्योर प्रोटेक्शन फॉर इन्वेस्टर. हाल ही में भारत किस देश के साथ एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन किया फॉर द प्रोटेक्शन फॉर इन्वेस्टर के लिए? सो नेम ऑफ द कंट्री इज उज्बेकिस्तान. Okay, and India and Uzbekistan has signed a bilateral investment treaty to assure appropriate protection to Uzbekistan investor in India and Indian investor in the Republic of Uzbekistan. So it is a bilateral investment treaty to ensure protection for investor for the both countries. Recently, which country's legendary umpire Alim Dar has announced his retirement? So Alim Dar kaun se देश के लेजेंडरी अंपायर रह चुके हैं. सो नेम ऑफ द कंट्री इज पाकिस्तान. ओके, पाकिस्तान अंपायर अलीम दर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द प्रोफेशनल अंपायरिंग. ही हैज सो फॉर ऑफिशिएट 448 इंटरनेशनल मैचेस. ओके, सो अलीम दर बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से. Recently, who has been awarded the prestigious 2024 Sashastra Ramanuj Prize? हाल ही में प्रतिष्ठित 2024 Sashastra Ramanuj पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? So name of the person is Alexander Dun. And Alexander Dun won the 2024 Sashastra Ramanuj Prize and it is awarded annually on Ramanuj's birth anniversary on 22nd December. Okay. So name of the person is Alexander Dun. Which country recently supported India's bid for permanent membership in the UN Security Council? हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के लिए भारत को समर्थन किया? So name of the country is Bhutan. And during the 79th session of United Nations General Assembly, Bhutan PM Shering Togbe expressed strong support for India's bid. Okay, so name of the country is Bhutan. As per the news, Bihar's second tiger reserve will be established in which district? Samachar ke anusar Bihar ka dusra tiger reserve kis jile mein sthapit kiya gaya? So name of the district is
कैमूर, ओके, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा कैमूर डिस्ट्रिक्ट पर। एंड आफ्टर द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज गोइंग टू सेट अवे सेकेंड टाइगर रिजर्व इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट। पहला कौन सा है, दैट इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये पहला है। उसके बाद दूसरा अभी बनने जा रहा है कैमूर डिस्ट्रिक्ट पर, यह है दूसरा बिहार का टाइगर रिजर्व। हार्पून मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाई विच कंट्री। हार्पून मिसाइल कौन से कंट्री ने डेवलप्ड किया, सो नेम ऑफ द कंट्री इज USA। एंड रिसेंटली ताइवान रिसीव द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ 100 लैंड बेस्ड हार्पून मिसाइल हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम फ्रॉम द USA। ओके, सो हार्पून मिसाइल को किसने तैयार किया है, USA ने। रिसेंटली सुमंत काटपलिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ हुच बैंक। सो हाल ही में सुमंत काटपलिया को किस बैंक के MD और CEO के पोस्ट पे नियुक्त किया गया, सो नेम ऑफ द बैंक इज इंडसइंड बैंक। ओके, सो सुमंत काटपलिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ इंडसइंड बैंक। एज पर द न्यूज हु एज्यूम्ड द रोल ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ नैटो। समाचार के अनुसार किसने नैटो के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया, सो नेम ऑफ द पर्सन इज मार्क रूटे। एंड नैटो दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नैटो का फुल फॉर्म है। एंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड इन 1949। इसका कैपिटल है, इसका हेडक्वार्टर है नैटो का ब्रसल्स इन बेल्जियम। ओके, एंड मार्क रूटे ही इज़ द फॉर्मर PM ऑफ नेदरलैंड एंड बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नैटो। रिसेंटली हुच नेशनल पार्क हैज बीन डिक्लेयर एज एन इको सेंसिटिव जोन। हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इको सेंसिटिव जोन द्वारा घोषित किया गया, सो नेम ऑफ द नेशनल पार्क इज गिर नेशनल पार्क। ओके, सो गिर नेशनल पार्क हैज बीन डिक्लेयर एन इको सेंसिटिव जोन रिसेंटली। एंड गिर नेशनल पार्क इट इज लोकेटेड इन गुजरात। एंड गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द एशियाटिक लायन। ओके, एज पर द न्यूज व्हिच कंट्री विल होस्ट फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025। कौन सा देश 2025 में पहले खो खो विश्व कप का मेजबानी करेगा, सो नेम ऑफ द कंट्री इज इंडिया। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया दैट इज KKFI एंड इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन हैव अनाउंस दैट द इनागुरल खो खो वर्ल्ड कप विल बी टेक प्लेस इन इंडिया इन 2025। एज पर द न्यूज व्हिच कंपनी इज सप्लाइंग द अपाची हेलीकॉप्टर टू द इंडियन आर्मी। सो समाचार के अनुसार कौन सा कंपनी भारतीय सेना को अपाची हेलीकॉप्टर सप्लाई करेगा, सो नेम ऑफ द कंपनी इज बोइंग कंपनी। ओके, एंड इंडियन आर्मी इज सेट टू रिसीव इट्स फर्स्ट 3AH-64E अपाची अटैक हेलीकॉप्टर फ्रॉम बोइंग कंपनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।